बढ़ते अगली खबर की ओर। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी सांसदों से यह कहा है कि यह जीत बीजेपी की जीत है, सामूहिकता की जीत है, टीम वर्क की जीत है, यह किसी एक व्यक्ति की जीत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबने मिलकर काम किया है। संसदीय दल की बैठक में सम्मान के बाद पीएम मोदी ने सांसदों से कहा कि वे आगे के चुनाव के लिए लग जाएं। पीएम ने सांसदों से कहा कि वो विकसित भारत संकल्प यात्रा में जोर शोर से लग जाएं। 2047 तक भारत को विकसित करना है। पीएम ने सांसदों से कहा कि वो घर घर विश्वकर्मा योजना को पहुंचाएं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों को क्या क्या मंत्र दिए हैं वो भी हम आपको बताते हैं। पहले प्रधानमंत्री का सम्मान किया गया और उसके बाद प्रधानमंत्री ने सांसदों को आगे की लड़ाई के लिए 24 के लिए जीत का मंत्र दिया है। उन्होंने कहा कि तीन राज्यों में टीम वर्क से जीत मिली है, यह किसी एक शख्स की जीत नहीं है, टीम वर्क की जीत है, यह जीत अकेले मोदी की नहीं है। भारत संकल्प यात्रा में सांसद जोर शोर से शामिल हों, अपने अपने क्षेत्रों में जाकर लाभार्थियों से मुलाकात करें, विश्वकर्मा योजना को जन जन तक पहुंचाएं, सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार लगातार करें, अपने अपने क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से संपर्क में रहें। बीजेपी का राज्यों में सरकार रिपीट करने का 58% का रिकॉर्ड है, जबकि कांग्रेस का रिकॉर्ड केवल 18% सरकार रिपीट करने का है। पीएम ने जो अहम बात कही उसमें यह है कि 2047 तक भारत को विकासशील से विकसित बना देना है। देखिए, बाकी तो ब्रीफिंग जो संसदीय कार्य मंत्री उन्होंने किया है मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन उन्होंने जरूर कहा कि मोदी जी की गारंटी ये शब्द प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, मोदी गारंटी ये पर्याप्त है, इससे आम आदमी जुड़ता है, जब जी लगाते हैं तो कहाँ आम आदमी जुड़ पाता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी सम्मान की आवश्यकता नहीं है, जो कोई संकोच न करें कि मेरे नाम के आगे मोदी जी लगाकर मोदी जी की गारंटी ये शब्द प्रयोग किया जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों को जीत का मंत्र दिया है और साफ साफ कहा है कि मोदी जी की गारंटी की जगह मोदी की गारंटी जनता के बीच लिए जाकर के बताएं। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया संसदीय दल की बैठक में। सांसदों ने मोदी मोदी के नारे लगाए और मोदी जी का स्वागत है किया है। उन्होंने कहा भी जनता के साथ जुड़ना में मुझे कोई अतिरिक्त सम्मान नहीं चाहिए, मैं मोदी हूँ, जनता मुझे मोदी की तरह अपना मानती, तो जी माननीय लगाने की आवश्यकता नहीं है, मुझे आप इस तरह का सम्मान ना दे, मुझे जनता के बीच रहने दे, वो मुझे मोदी कहते हैं तो आप ही मोदी कहें। Zee News।